गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व कैसे करना इक्वेशन, सो लिसन टू मी केयरफुली। एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 7। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ये दो साइड्स होती हैं, इधर को हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी साइड को क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, मतलब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड बोलेंगे। अब सेकंड मैटर इज क्या है, जो चीज़ इधर माइनस की है दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो प्लस की बन जाएगी, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस। क्लियर, अब देखो कैसे करना है। x माइनस टू इज इक्वल टू 7। अब x को माइनस टू में मतलब माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि x वाले को x वाले में प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इन दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो जब क्या करेंगे माइनस टू को इधर ले जाएंगे, तो माइनस टू का क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, x इधर रह जाएगा और ये प्लस का हो गया, और 7 और 2 कितना हो गया 9। ऐसा ये है। अब क्या है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब प्लस वाली चीज़ तरह क्या बन जाएगी माइनस, क्योंकि y में प्लस 3 पॉसिबल नहीं करना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इधर रहेगा और जो 3 है उसका साइन इसको पीछे लेके जाना है, आगे मत लिखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी साइन किसका चेंज करना है। जो चीज़ इधर है वो आगे ही रहेगी, जिसको लेके जाना है उसको पीछे लेके जाना है, उसका साइन चेंज करके लेके जाना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। अब देखो 6 है, 2 इधर प्लस का इधर, जो भी साइन देखना उसका पीछे का नहीं उसका आगे का साइन देखना होता है। ठीक है, तो प्लस 2 इधर का बन जाएगा माइनस जेड, इधर का इधर रहने दो। 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 इज इक्वल टू जेड, और जो हम अल्फाबेट्स होते हैं उसको आगे लिखते हैं तो क्या बन जाएगा जेड इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज 3 बाय 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 बाय 7। एक्स को इधर रखा, ये इधर क्या बन गया माइनस। अब इनका बेस सेम है, जो जब बेस सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाला नंबर सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। 17 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 17 में से 3 माइनस के कितना आ गया 14, 14 बाय 7, 14 बाय 7। अब इनको हम काट दो या डिवाइड कर दो, 7 के टेबल पर 14 कितने नंबर पर जाता है 2 नंबर पे, तो x इज इक्वल टू 2 इट्स योर आंसर। ऐसे ही अब वो प्लस माइनस के हमने कर रहे हैं, अब डिफरेंट आ गया है 6x इज इक्वल टू 12। जब किसी के बीच में कोई साइन नहीं होता इट मीन्स वो क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होते जाके बनेगी डिवाइड, डिवाइड वाली चीज़ क्या बन जाएगी मल्टीप्लाई। अभी इनमें मल्टीप्लाई का साइन है, ये मैंशन नहीं कर रहा, हमें समझना पड़ेगा 6 इंटू एक्स मतलब 6 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये इधर जाके क्या बनेगा डिवाइड। चाहे आप डिवाइड का साइन लगा के ऐसे लिख दो, नहीं तो बड़ी क्लासेस में हम यूजेस करते हैं नीचे लेके जाते हैं भी, जो चीज़ इधर है वो एक्स के साथ वाई के साथ किसी के भी साथ चीज़ होती है दूसरी साइड पे दूसरे नंबर के नीचे आके लग जाती है, तो एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 6। अब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो ये वाले सम में हमने मल्टीप्लाई करा था, इधर हमने क्या करना डिवाइड, तो डिवाइड मतलब होता है नीचे वाला नंबर, जैसे हमने इसको नीचे लेके गए ना ये डिवाइड का ही होता है, तो ऐसे ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है टी बाय 5 क्या है डिवाइड का साइन है, तो दूसरी साइड पर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, टी इज इक्वल टू 5 उधर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, टी इज इक्वल टू 50। ऐसे ये है 3 उधर जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 जो ठीक है, तो ये x के साथ जो चाहिए उधर जाके क्या बनेगी डिवाइड हो जाएगी नीचे आ जाएगी। अब 18 इंटू 3 बाय 2, 2 के टेबल पर 18 कितने नंबर पर जाता है 9 नंबर पे। ठीक है, तो क्या बना 9 इंटू 3 कितना होता है 27। ये ख़त्म हो गया ना, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 1 मत लगाओ, लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा। अब अगला 1.6 इज इक्वल टू वाई बाई 1.5, यही वही चीज़ है कि ये डिवाइड है इधर आके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं तो इसका एक और वे है, इसके नीचे 1 लगाओ और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इंटू 1y और 6.1 इंटू 1.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 240, और पॉइंट लगाना है तो पॉइंट काउंट कर लो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 और 2, दो डिजिट पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, आगे 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो चीज़ इधर माइनस की है, क्योंकि इसमें जो इनका तो पॉसिबल नहीं प्लस माइनस करना, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9। ठीक है, 7x प्लस इन दोनों को प्लस क्या कितना आ गया 25। ठीक है, अब जो चीज़ x के साथ होती है वो दूसरे पे कहाँ जाएगी नीचे। अब ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किसी टेबल पर नहीं जाते, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इट्स योर आंसर।
10th, it's your homework. Now question number 11. 17 plus 60 is equal to 9. पहले क्या करेंगे, 17 को उधर लेके जाएंगे, पीछे लेके जाना, साइन चेंज होगा. कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, उसका साइन वही रह जाता है, इसका साइन चेंज कर देते. नहीं, जो चीज़ें दी है उसको आगे ही लेना है, जिसको लेके जाना है वो पीछे जाएगी, उसका साइन चेंज करके. हमने आगे का साइन देखना है, इसका आगे का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस. 60 इज इक्वल टू 17 में से 9 माइनस करें कितना आ गया 8, और साइन आएगा बड़े नंबर वाला तो माइनस आ गया. पी और 6 इधर आके क्या हो गया, नीचे आ गया. अब ये दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं, ये 4 नंबर पे गया और ये 3 नंबर पे गया. पी इज इक्वल टू माइनस 4/3. थैंक यू.